डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की एग्जांपल करते हैं. टू लाइट स्ट्रिंग्स आर टाइड टू ब्लॉक ऑफ मास 20 केजी. द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी है. विद द स्ट्रिंग टॉट, द स्ट्रिंग मेक एंगल ऑफ 60 एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑन ईदर साइड ऑफ द ब्लॉक. And the tensions in the strings are T newton and 75 newton as shown in the figure. तो T जो newton है वो 60 degree बना रहा है और जो कि 75 newton जो है वो 30 degree बना रहा है. Given that the surface is smooth, यानी कि coefficient of friction नहीं है, यानी कि mu नहीं है, no friction at all. Find the value of T and the magnitude of contact force acting on the block. तो पार्ट वन करते हैं. इसमें जो कंटैक्ट फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है वो R है सपोज, और T फाइंड आउट करना है. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. मैस है 20 kg, तो W इक्वल टू mg. तो 20 टाइम्स वो जी को अगर हम 10 ले लें तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन. तो W इक्वल टू 200 न्यूटन. इनको रिजॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 75 cos 30 और ये 75 sin 30. इनको रिजॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके तो ये 75 cos 30 degree. और इनको अगर हम रिजॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी T cos 60 और ये फोर्स T sin 60. ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये आ जाएगी. और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है और वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है. तो हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा T cos 60 इक्वल टू 75 cos 30. T cos 60 = 75 cos 30. तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, वो 60 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ और ये 75 √3/2. तो T की वैल्यू ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो T की वैल्यू 75 √3 आ जाएगी न्यूटन में. इसी तरह वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं R प्लस T sin 60 प्लस अपवर फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज. तो T sin 60 प्लस 75 sin 30 इक्वल टू वेट जो कि 200 है. तो इसको हमने वर्टिकली लिया, ये हमने हॉरिजॉन्टली लिया था तो ये आ जाएगा R प्लस 75 sin 30. R अपवर्ड है, 75 sin 30 भी अपवर्ड है, प्लस T sin 60 इक्वल टू mg है 200. यहाँ पे हमने T की वैल्यू जो कि 75 √3 है वो प्लग करेंगे, 75 × 1/2 और ये आ जाएगा 75 √3 × √3/2 इक्वल टू 200. तो ये बन जाएगा R प्लस 75/2 और प्लस 220 √3 टाइम्स √3 225 टाइम्स √5 225/2 इक्वल टू 200. तो ये सारा 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो R की वैल्यू 50 न्यूटन आ जाएगी. तो पहले केस में जिसमें ये फ्रिक्शन जीरो है, स्मूथ है, तो T और R की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें. T की वैल्यू 75 √3 जबकि R की वैल्यू 50 न्यूटन. अब सेकंड केस करते हैं. सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि इंस्टेड इट इज गिवन इंस्टेड दैट द सरफेस इज रफ एंड ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग. फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक हैज 25 न्यूटन एंड एक्ट्स टुवर्ड्स ए, यानी इस तरफ एक्ट करती है ये फ्रिक्शन. इसको F कह लें या इसको म्यू आर कह लें,
ये 25 के इक्वल है। तो हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो अब नए टी और नए आर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अगर आर की वैल्यू आ जाती है तो म्यू आर इक्वल टू 25, आर की वैल्यू प्लग करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा फिर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं, टी कॉस 60 इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालती है, टू टी कॉस 60 प्लस 25 इक्वल टू 75 कॉस ऑफ 30। जी आपको एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं, तो ये आ गया टी कॉस 60, ये 25 भी इधर है, तो टी कॉस 60 प्लस 25 ये लेफ्ट वाली फोर्सेस होगी और राइट पे है 75 कॉस 30। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, टी किसके को आ जाएगा 75 कॉस 30, कॉस 30 होता है इसका 3 ओवर 2 माइनस 25 और कॉस 60 होता है हाफ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी की वैल्यू 75 स्क्वायर 3 माइनस 50 न्यूटन आ गई। ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। इसके पास अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम वर्टिकली रिजोल्व करते हैं, तो आ जाएगा आर प्लस टी साइन 60 प्लस 75 साइन 30 इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, टी साइन ऑफ 60 प्लस आर प्लस 75 साइन ऑफ 30 इक्वल टू वेट जो कि 200 के इक्वल है। तो टी यहाँ पे प्लग करें 75 स्क्वायर टू 3 माइनस 50 और साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर टू 3 ओवर 2 और आर हमने फाइंड आउट करना है 75 साइन स्क्वायर टू 3 होता है हाफ और ये इक्वल आ जाएगा 200 के। 75 ओवर 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये बाकी उधर जाके 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर टू 3 डिवाइड और ये भी उधर जाके डिवाइड, यानी ये सारा हमने सॉल्व किया तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 प्लस 25 स्क्वायर टू 3 न्यूटन। ये आर भी हमारे पास आ गया, टी भी आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करना है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम म्यू आर हमें गिवन है, फ्रिक्शन फोर्स गिवन है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है मी एफ इक्वल टू मी यू आर, एफ की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 25, मी यू हमने फाइंड आउट करना है, आर है 50 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मी यू इक्वल आ जाएगा 25, ये उधर जाके क्या कर देंगे डिवाइड 50 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 25 से ये सारा कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1, 2 को स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 ये 1 होता है और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो दैट मीन्स के म्यू की वैल्यू अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो बन जाएगा 0.2683 सिग्निफिकेंट वे। तो ये म्यू हमने फाइंड आउट कर लिया जी। तो डी और आर फर्स्ट केस में फाइंड आउट कर लिए और सेकंड केस में फ्रिक्शन फोर्स गिवन थी, तो दोबारा नए टी और आर क्योंकि अब एक और फ्रिक्शन और एक और फोर्स हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई थी तो इसलिए नए टी और नए हम आर फाइंड आउट किए सेकंड केस में और उस आर को यूज़ करके हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू।